हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल फार्मेसी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो जो आपका फिजिकल फार्मेसी का टॉपिक है आज का, वो है आपके स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड। तो स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है आपके लिक्विड क्रिस्टल्स। तो आज देखेंगे हम लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में, तो डिटेल में इसकी मीन्स डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे और साथ ही देखेंगे कि कितने कौन से टाइप होते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम लिक्विड क्रिस्टल्स। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर्स, सम असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स ऑफन एग्जिबिट्स अ फोर्थ स्टेज नोन एज अ लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेज और मीजोफेज। मीन्स अगर हम देखें वाटर की अगर हम बात करें, तो वाटर क्या है आपके, एक मैटर मीन्स एक सब्सटेंस है। वाटर में क्या है, थ्री टाइप की फेजेस प्रेजेंट होती हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि हमारे जो स्टेट्स ऑफ मैटर्स होते हैं मीन्स जो मटेरियल होते हैं, वो मटेरियल में थ्री फेजेस प्रेजेंट होती है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तो ये थ्री फेजेस ऐसे ही आपके वाटर में भी प्रेजेंट होती हैं। सॉलिड मींस आइस, लिक्विड वाटर होता है लिक्विड फेज में, और जब वाटर एवेपोरेट होता है तो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात कर रहे थे हम थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर जो हम जनरली हम पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन जो असिमेट्रिक पार्टिकल्स होते हैं, वो असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स के अंदर एक फोर्थ स्टेज भी हमें मिलती है, वो होती है आपकी लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट, या कहें उसको मीजोफेस। तो जो असिमेट्रिक, अभी ये कब मिलती है हमें लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट, जब असिमेट्रिक पार्टिकल्स को हम मीन्स असिमेट्रिक पार्टिकल्स कैसे होंगे, क्रिस्टल्स फॉर्म में। तो इन असिमेट्रिक पार्टिकल्स को, या कहें इनके क्रिस्टल्स को, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, तो हीट प्रोवाइड होने के वजह से ये क्या है, ये क्रिस्टल्स आपके लिक्विड क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब ये कन्वर्ट होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ पोर्शन आपके लिक्विड प्रेजेंट होता है और कुछ पोर्शन क्या होता है, सॉलिड का प्रेजेंट होता है। तो ये सॉलिड कंटेंट्स, या कहें सॉलिड्स आपके लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसी स्टेट को हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट, और इसी स्टेट को हम कहते हैं फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये फोर्थ स्टेट होती है आपकी मैटर की, थ्री स्टेट्स के अलावा। इसका एक एग्जांपल है, लिक्विड क्रिस्टल्स पॉसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ मोबिलिटी एंड रोटेशन कैन बी कंसिडर्ड टू हैव द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। मींस आपके जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है रोटेट करने की। मींस ये लिक्विड क्रिस्टल्स ईजिली रोटेट कर सकते हैं, इनको जरा सी एनर्जी मिलती है और एनर्जी मिलते ही ये क्या होते हैं, क्रिस्टल्स रोटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। रोटेशन इनमें क्यों होता है, क्योंकि ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, वो आपके क्रिस्टल्स लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से ये क्रिस्टल्स ईजली मूवमेंट करते हैं, तो इसलिए ईजली इनमें क्या होता है, रोटेशन शो होता है। जैसे देख रहे होंगे आप, ये इमेज दी गई है, इस इमेज में क्या है, आपके जो ए वाला आप देख रहे हैं पोर्शन, ए वाला जो लिक्विड, ये क्या है आपके लिक्विड फिल है यहाँ पे, और धीरे धीरे क्या है यहाँ पे क्रिस्टल्स की ग्रोथ हो रही है। अगर मान लीजिए हम सॉलिड मटेरियल को हम हीट दे रहे हैं, और सॉलिड मटेरियल क्या है आपके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने से पहले क्या होगा, लिक्विड क्रिस्टल्स फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मतलब क्या है, यहाँ पे क्रिस्टल्स, नीचे क्रिस्टल्स आपके रह जाएंगे। तो ये थी एक फेज। दूसरा क्या है, मान लीजिए कोई लिक्विड है, उस लिक्विड को हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो असिमेट्रिक अगर मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होंगे, लिक्विड क्रिस्टल्स फॉर्म में आने से पहले क्या होगा, क्रिस्टल्स लिक्विड के अंदर क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो क्या होगी, वो फेज क्या होगी, लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज होगी। तो ये क्या है, जो बी है आपका पोर्शन, ये क्या है, लिक्विड क्रिस्टलाइन फेस को शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो डायग्राम बने हुए हैं, ये क्या शो कर रहा है, लिक्विड क्रिस्टलाइन फेस को शो कर रहा है, और नीचे जो डायग्राम बने हुए हैं, ये डायग्राम दिखा रहा है कि जब भी आप लिक्विड क्रिस्टलाइन टाइप के मटेरियल के थ्रू आप जब भी लाइट पास करते हैं, तो लिक्विड क्रिस्टलाइन से जो लाइट पास होती है, लाइट पास होने की वजह से क्या है, आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लिक्विड के अंदर क्रिस्टल्स प्रेजेंट है, वो क्रिस्टल्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफरेंट कलर रिप्रेजेंट होने की वजह से ये एक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लिक्विड के अंदर क्रिस्टल्स मॉलिक्यूल्स चमकना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब ऐसी प्रोसेस होती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, या कहें इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ब्रिफ्रिंजनेस प्रॉपर्टी। अब फ्रिंजिंगनेस प्रॉपर्टी क्या होती है,
इसके अंदर क्या होता है, लाइट पास करते हैं हम लिक्विड क्रिस्टलाइन मटेरियल के थ्रू। तो ये लाइट क्या है, डिफरेंट वेलोसिटी और डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे लाइट पास होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, या कहें जो आपके लिक्विड के अंदर क्रिस्टल्स प्रेजेंट है, वो क्रिस्टल्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, जिस वजह से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लाइट कलर के ऑब्जेक्ट या कहें डिफरेंट डिफरेंट कलर के मॉलिक्यूल्स शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ब्रिग फ्रिंजेस प्रॉपर्टीज। तो इसी ये किस में शो होती है, ओनली लिक्विड क्रिस्टल के अंदर, क्योंकि जो आपके सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं, वो सॉलिड क्रिस्टल्स क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जिस वजह से क्या है, डिफरेंट कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे आपकी एलसीडी स्क्रीन होती है, लिक्विड क्रिस्टलाइन डिस्प्ले। तो लिक्विड क्रिस्टलाइन डिस्प्ले में सेम यही प्रोसेस फॉलो होती है, जिससे क्या है, आपको सामने पिक्चर्स या कहीं इमेज वहाँ पे शो होती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से आपकी जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, वो लिक्विड क्रिस्टल्स डिफरेंट टाइप की लाइट को वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जांपल है, लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट्स फाउंड इन नेचर ऑफ नर्व्स, ब्रेन टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स। तो आपके जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, वो आपके नर्व्स, ब्रेन टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर लिविंग थिंग की बात करें, तो ब्लड वेसल्स में आपके जो लिक्विड क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं आपके, जैसे अगर ब्लड की हम बात कर रहे हैं, तो ब्लड में क्या है, आपकी RBCs प्रेजेंट होती है, WBCs प्रेजेंट होती है, प्लेटलेट्स होती हैं, साथ में क्या है, लिपिड मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये लिविंग थिंग्स में ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं, लिक्विड क्रिस्टल की तरह ही काम करते हैं। तो वहाँ पे क्या है, ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो शो करते हैं आपकी लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट को। तो लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट क्या है, आपकी डिफरेंट टाइप में इसको डिफाइन किया गया है, लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट को। तो लिक्विड क्रिस्टल्स की जो स्टेट है, वो शो होती हैं जब आपके लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो एनर्जी प्रोवाइड होने की वजह से क्या है, इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी शो होना स्टार्ट हो जाती है। तो उनके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट टाइप में। तो फर्स्ट जो टाइप है आपके, वो होता है सिमेट्रिक टाइप। तो सिमेट्रिक टाइप में क्या होता है, इन सिमेट्रिक स्टेट्स द मॉलिक्यूल्स आर मोबाइल इन टू डायरेक्शन एंड शो रोटेशन अबाउट वन एक्सिस। सिमेट्रिक स्टेट में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स टू डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, लेकिन इनका जो डायरेक्शन शो होता है, केवल एक एक्सिस पे ही शो होता है। मींस जैसे आपकी दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स, ये यहाँ पे भी क्या है, दो एक्सिस हैं। तो ये जो है, मींस जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो दो डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, लेकिन इनका जो रोटेशन शो होता है, केवल एक एक्सिस पे ही रोटेशन शो होता है, जिस वजह से क्या है, ये सिंगल डायरेक्शन में ही शो होते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं सिमेट्रिक पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जो शो हो रहा है आपको ग्राफ में, वो क्या है, सिंगल डायरेक्शन ही यहाँ पे दिखा रहा है, कि सिंगल डायरेक्शन में ही सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपकी नेमेटिक। नेमेटिक स्टेट में क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स आर मोबाइल इन थ्री डायमेंशनल। तो ये कैसे होते हैं मॉलिक्यूल्स, थ्रेड लाइक होते हैं और थ्री डायमेंशनल होते हैं, और थ्री डायमेंशनल होने की वजह से इनमें रोटेशन शो होता है। तो ये जो रोटेशन शो होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रोटेशन शो होता है। तो यहाँ पे जो रोटेशन शो होगा, थ्री डायमेंशनल रोटेशन होगा। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, ये क्या है, ये नेमेटिक या कहें नेमेटिक टाइप के यहाँ पे क्रिस्टलाइन लिक्विड क्रिस्टलाइज शो हो रहा है, लिक्विड क्रिस्टल शो हो रहा है। और यहाँ इमेज में भी आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, थ्रेड लाइक आपके नेमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं, थ्रेड लाइक यहाँ पे दिख रहा है। और ये कैसे होते हैं, थ्री डायमेंशनल, यहाँ पे देख रहे होंगे आप इमेज किस टाइप की बनी हुई है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम कोलेस्ट्रिक, इन विच द थिन लेयर ऑफ पैलर मीजोजेंस हैव देयर रोटेटेड इन एडजेसेंट लेयर एट सर्टेन एंगल्स। तो कोलेस्ट्रिक जो आपके कोलेस्ट्रिक टाइप के लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, ये क्या है, आपके लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है। तो ये कोलेस्ट्रिक टाइप के मीन्स, इनमें क्या होता है, इनमें जो जब रोटेशन होता है, तो पैरेलल लाइन शो होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब रोटेशन होगा, पैरेलली रोटेशन होगा, पैरेलल लाइन में अरेंज होंगे, और इनके अंदर जो रोटेशन होगा पैरेलल लाइन के अंदर, वो कैसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेशन होगा मॉलिक्यूल्स में। जैसे मैं आपको पॉइंटर से बता रही हूँ, पॉइंट आउट करके,
कि किस तरीके से रोटेशन होगा, मतलब मॉलिक्यूल्स में रोटेशन हो रहा है, ये पैरेलली रोटेट कर रहा है, मतलब पैरेलल डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल्स पैरेलल डायरेक्शन में रोटेट करने के साथ में ही क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं एक लाइन में मॉलिक्यूल्स, दूसरी लाइन में मॉलिक्यूल्स एकदम स्ट्रेट रोटेट कर रहे हैं, तीसरी लाइन में मॉलिक्यूल्स लेफ्ट टू राइट रोटेट कर रहे हैं, इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पैरेलल लाइन में डिफरेंट डिफरेंट रोटेशन शो होता है। तो ऐसे ही आपको ये इमेज दी गई है, इस इमेज में क्या है आपके सिमेट्रिक, यहाँ पे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं कि सिमेट्रिक रोटेशन होगा तब किस तरीके का इमेज मिलेगा, निमेटिक होगा तो किस तरीके का इमेज मिलेगा, और कोलेस्ट्रिक होगा तो पैरेलल लाइन में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ये किस तरीके का रोटेशन मिलेगा। तो नेक्स्ट है आपके जो लास्ट वन है वो है आपके लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। जो लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, लायोट्रॉपिक मीन्स वाटर लविंग टाइप के, तो इसमें क्या है जो आप सब्सटेंस यूज़ करते हैं तो इसमें क्या है वन मॉलिक्यूल्स किसका होता है आपके पोलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल सोप इन वाटर, जब सोप को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये क्या है लिक्विड क्रिस्टलाइन की तरह काम करता है। तो लिक्विड क्रिस्टल्स जो हमें सोप इन वाटर में मिलेगा तो वो क्या होगा आपके लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टलाइन टाइप का होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस इमेज में भी यहाँ पे क्या है लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स शो हो रहा है। अब प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, मीन्स किस लिए यूज़ की जाती है इस टेक्निक को, मीन्स लिक्विड क्रिस्टलाइन टेक्निक किस लिए यूज़ की जाती है। सम लिक्विड क्रिस्टलाइन शो कंसिस्टेंट कलर चेंज विथ टेम्परेचर। जो भी आपके लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनके क्रिस्टल्स में कलर चेंज होता है, मीन्स लिक्विड क्रिस्टल्स कलर चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज होने पे कलर चेंज करते हैं। तो इसलिए इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के स्किन जो मतलब जो आपकी बॉडी लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें तो लिविंग थिंग्स की स्किन के अंदर मीन्स स्किन पे जो सरफेस पे जो टेम्परेचर एनहांस होता है तो उस टेम्परेचर को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ लिक्विड क्रिस्टलाइन टेक्निक, क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल के अंदर क्या होता है टेम्परेचर चेंज होने की वजह से कलर में चेंज आता है, टेम्परेचर चेंज होगा तो कलर में भी चेंज आएगा, इसलिए इस टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए। द सिमेट्रिक मीजोफेस हैज़ एप्लीकेशन इन द सोलिबलाइजेशन ऑफ वाटर इंसॉलिबल मटेरियल, मीन्स जो वाटर इंसॉलिबल टाइप के मटेरियल होते हैं, वाटर में सोलिबलाइज नहीं होते हैं, उन मटेरियल को सोलिबलाइज करने के लिए भी हम लिक्विड क्रिस्टलाइन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारे लिक्विड क्रिस्टलाइन के बारे में इंफॉर्मेशन। तो लिक्विड क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि लिक्विड क्रिस्टल्स में लिक्विड के अंदर क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम किसी भी असिमेट्रिक टाइप के क्रिस्टल्स को मेल्ट करते हैं या कहें उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड होने की वजह से क्या है ये असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स लिक्विड क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने से पहले लिक्विड क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल्स ये जो फॉर्म है उस लिक्विड क्रिस्टल्स फॉर्म में आपके जब लाइट पास करते हैं तो लाइट पास करने पे क्या है ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से इनमें कलर वेरिएशन या कहें कलर चेंज शो होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक एग्जांपल भी देखा था ब्रिक फ्रिंजेसनेस जो आपकी टेक्निक है उसमें भी क्या करते हैं हम लाइट पास करते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स के थ्रू, जिसमें क्या है डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं और इस वजह से क्या है आपको डिफरेंट कलर शो होना दिखाई शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो होते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के एब्जॉर्प्शन होने की वजह से। तो ये था आपके लिक्विड क्रिस्टलाइन से रिलेटेड, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।